अबीरा पर आई एक के बाद एक मुसीबतें। जी हाँ दोस्तों, अपकमिंग एपिसोड में दिखाया जाएगा कि रुई अबीरा की खुशियों पर ग्रहण लगा देती है। सबसे पहले तो वो उसके लड्डू खराब कर देती है। फिर जब भगवान जी की मूर्ति को नए कपड़े पहनाने का समय आता है तो घर वाले देखते हैं कि उनकी ड्रेस तो फटी हुई है। दादी से अबीरा पर भड़क जाती है। वो कहती है कि घर की बड़ी बहू अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकामयाब रही। हमने तुम्हें पहले ही समझाया था कि कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, फिर भी तुमने इतनी बड़ी लापरवाही की। हमें तुमसे यह उम्मीद नहीं थी लड़की। बेचारी अबीरा को तो खुद नहीं पता कि एक के बाद एक गड़बड़ कैसे हो रही है। तभी रुई दूसरी ड्रेस लेकर आती है और भगवान जी की मूर्ति को पहना देती है और उसे फिर से शाबाशी मिल जाती है। घर में केवल मनीषा ही है जो रुई का असली सच जानती है। वो जानती है कि इन तैयारियों को खराब करने के पीछे रुई का ही हाथ है। फिर जब सब घर वाले आरती करने के लिए आगे आते हैं तो वो लोग भगवान जी की मूर्ति को देखकर शोक हो जाते हैं, क्योंकि बाल गोपाल के साथ एक बच्चा बैठा हुआ होता है। अब आगे यह देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि क्या यह अबीरा अरमान के आने वाले बच्चे का इशारा है या फिर रुई की कोई नई चाल। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।